हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका ओबी साई के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में, यानी कि न्यूट्रॉन्स की खोज कैसे हुई। तो अगर आप आए हैं इस वीडियो पर तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस समय की बात करने जा रहे हैं उस समय तक हेनरी बैक्यूरियन ने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली थी। अल्फा, बीटा, गामा, इन सभी रेडिएशंस के बारे में हम उस समय तक जान चुके थे। और ये रेडिएशंस इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इसका पता हम इससे कर सकते हैं कि अगर हमारा शरीर इनके कांटेक्ट में आता है तो हमारे शरीर में स्किन कैंसर होने की संभावना हो सकती है और 2 से 3 महीने के अंदर हमारी मौत पक्की है। और किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि अगर ये रेडिएशंस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं तो आज हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग इस रेडिएशन से बच सकते हैं। लेकिन उस समय की, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई थी। तो अब सभी साइंटिस्ट हैरान परेशान होकर इस बात को खोजने में लग गए कि इस रेडिएशन को, इन जानलेवा रेडिएशन से हम लोग मानव जाति को कैसे बचा सकते हैं। और उन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जेम्स जेडविन था। उन्होंने भी इस रेडिएशन से बचने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे। हम ये बात जानते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एम बनाना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से इनका एम था कि किस तरह से हम लोग इस रेडिएशन को रोक सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम लोग इस रेडिएशन के बीच में कोई वॉल बना दें, कोई दीवार जैसी चीज़ बना दें। अब वो दीवार किसी भी सब्सटेंस से बन सकती थी, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर से बन सकती थी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कुछ इस तरह से की कि उन्होंने अलग अलग तरह के मेटल्स लिए, मेटल की प्लेट ली और उनके ऊपर से, उनके सामने से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया था। प्लेट्स के एग्जाम्पल जैसे कॉपर की प्लेट, जिंक की प्लेट, इस तरह से कई प्लेट्स का इस्तेमाल उन्होंने किया। अब हमारे पास सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के लिए आ गई हैं। एक तरफ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई और दूसरी तरफ से उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व किस पर किया, ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन का इस्तेमाल करा। अब वो स्क्रीन कोई भी हो सकती है, चाहे वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन हो या कोई अन्य तरह की स्क्रीन। आपको सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है और वो सोर्स किसी तरह की प्लेट से निकल रहा है, वो वॉल जो मैंने बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिलियम वॉल है और ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने स्क्रीन के तौर पर पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक बात कही कि ये जो कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स मेटल सरफेस से ही आ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये मेटल शीट एटम्स से मिलकर बनी है। उदाहरण के तौर पर कॉपर की प्लेट कॉपर के एटम से मिलकर बनेगी। अब उनका कहना था कि ये पार्टिकल्स मेटल की शीट से ही आ रहे हैं, यानी कि एटम से निकलकर आ रहे हैं। एक और बात मैं बता दूं, जब तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की खोज हुई थी। अब वो इस बात पे फंस गए कि ये तीसरा पार्टिकल कहां से आ गया। अब उन्होंने सोचा अगर ये तीसरा पार्टिकल है तो इसका चार्ज क्या होगा। इस बात को जानने के लिए उन्होंने स्क्रीन के पीछे मैग्नेटिक फील्ड बिछाई। लेकिन जब उन्होंने डिटेक्टर से ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा कि ये पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ये तो सीधे चले गए जैसे कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के पास हो रहे थे। तब उन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि इन पार्टिकल्स का कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इनका चार्ज न्यूट्रल है। अब जबकि ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे तो इस पार्टिकल का नाम पड़ा न्यूट्रॉन। अब उन्होंने सोचा कि अगर इस पार्टिकल का चार्ज नहीं है तो क्या इसका मास भी नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मास होता है, जेम्स शेडविन के मुताबिक इसका मास 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम्स। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे जुड़ा आपको कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।